उसकी टेढ़ी मेढ़ी फोटो नहीं खींची खींच ली मैंने पहले ही। पांडे जी को पता चल चुका, बाकियों को नहीं पता। मानना पड़ेगा लड़की ने मतलब आग लगा दी। मेरे को पसीने छूट गए क्योंकि हेलो जी, वेलकम टू आवर चैनल LOL। आई एम सो सॉरी, आज गुड मॉर्निंग नहीं बोलूंगी क्योंकि आज आफ्टरनून हो चुकी है। आज मेरा शूट है, बहुत सारे काम थे, मैं वीडियो ही नहीं बना पाई। और हर्ष भी सुबह सुबह चला गया, गोला भी नहीं है। वरना आप लोग की शुरुआत व्लॉग में गोले से होती है, तो गोला भी सो रहा है क्योंकि आफ्टरनून हो गया, नहा लिया और इस यहाँ पे मेरा बड़ा गोला आ चुका है। हाय गोले। सो दोस्तों, मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि गोला बड़ा वाला माइंड ब्लोइंग नंबरों से पास हुआ है। अरे किसको उम्मीद थी कि भाई इसके 80-85 आएंगे, ये भाई 90 से ऊपर चली गई लड़की। पढ़ते रहे, मैं तो पढ़ाई में थी नहीं इतनी तेज। ये पहली बच्ची है हमारे घर की जो बहुत अच्छी इंग्लिश बोल लेती है, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब ये किसी से बात कर रही होती है या कहीं बाहर जाते हैं तो खाने का बच्चे ऑर्डर देते हैं, तो बड़ी खुशी होती है कि हाँ ये अच्छा अच्छे से बोल पा रहे हैं उस वर्ड को, हमारा अड़ी जाता है। सो मैंने मेकअप किया हुआ, आई नो बहुत डरावना लग रहा होगा, बट इसको थोड़ा सेटल करना है अभी। प्रॉपर पूरा ध्यान रखना, मेरे बच्चे को तंग मत करना, उसकी टेढ़ी मेढ़ी फोटो नहीं खींची। तेरे बचपन की डाल दूं? टकु 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 टकीला। तो भी मैं रेडी हो गई हूँ जाने के लिए, वहां जाके चेंज करूंगी। और रब्बा, आजकल दे बच्चे देखो, थोपड़ा थपड़ी चालू है। हाँ तो अभी घर में कोई सन है ही नहीं, तो कौन सी क्रीम लगा रही है? बात तो सही है, हमारे घर में चादरें इतनी टंगी होती कि सन ना फादर कोई नहीं अंदर आ सकता। ये क्रीम डब्बे में भर के लाई है? हाँ सनस्टिक होती है। वही वही बस, रहन दे, हमने तो स्टिक एक ही खाई हाथ पे। सो मैं जा रही हूँ शूट पे, तो मैं बता देती हूँ आज हम किसके साथ शूट कर रहे हैं। आज हम शूट कर रहे हैं उर्फी के साथ। तो भाई घर में तहलका मचा हुआ, मेरे अंकल देखो भैया, इतने शो किए मैंने, मेरे अंकल ने आज तक नहीं कहा कि मैं शूट देखने आ सकता हूँ क्या उर्फी? क्या भाई? और हर्ष सुबह का चला गया हुआ है। एहे, रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। मुन्ना वुन्ना भैया सब खुश है आज। उर्फी भाई क्या कर दिया तुमने? चलिए मैं जा रही हूँ, मेरे अंकल नाराज हो गए मुझसे कि उर्फी आ रही है और मुझे नहीं बुला रही। शूट में मुझे बुलाया नहीं, क्या करना है आपने? मुझे मिलना है उर्फी से। चलो फिर मैं आता हूँ अपने दोस्त को साथ लेके, फिर फोटो खिंचवा। तो पांडे जी को पता नहीं है कि आज कौन आ रहा है शूट पे, मैं पांडे जी को बताती हूँ। पांडे जी आज आपको पता है किसके साथ शूट कर रहे हैं? बता दूं? खुश हो जाओगे, उर्फी जावेद। ऐसे क्या ऊपर करके सोचने लग गए? जानते हो उर्फी जावेद को? कैसे जानते हो? आपके साथ पढ़ी हुई है? नहीं नहीं, यूट्यूब में देखता हूं। किस में? यूट्यूब में। भैया सो चलिए, पांडे जी को भी पता है कि उर्फी कौन है, यूट्यूब पे देखते हैं वो भी। पांडे जी को भी पता है। अरे अरे खुश हो गए। अरे पांडे जी, अरे ऑफिस में जाके देखते हैं भाई। मुन्ना हर्ष संतोष ये सब क्या कर रहे हैं, चुपचाप हैं या झूम रहे हैं अंदर ही अंदर? बात है गणपति बप्पा मोरिया। तो मैं ऑफिस आ चुकी हूँ शूट के लिए। पांडे जी को पता चल चुका है उस चीज का, है ना? पांडे जी को पता चल चुका, बाकियों को नहीं पता। पांडे जी आप इधर आ जाओ, आप उस टीम में नहीं हो। चल मुन्ना तू इधर आ जा, आ जा मेरे भाई एमरन, आ जा। कितना, अरे दरवाजे में, अरे छुप ही गया। अच्छा सो आज मैं बताना चाहूंगी विष्णु के हमारे साथ शूटिंग कर रही है उर्फी जावेद। दादा उर्फी जावेद जानते होंगे, नाम तो सुना होगा। कैसे? ऐसे वीडियो देखता रहता है, वीडियो देखता रहता। मेरा मुंह निकल गई, मेरी जबान टूट गई। आज देखता रहता हूँ। कब तक देखते रहते हो? जब तक पकड़ा नहीं जाता। मुन्ना
अरे मुन्ना बता ना, उर्फी जावेद आ रही है, तू भी जानता है मुन्ना? देखा हूँ वीडियो। किसमें? वीडियो में देखा। ऐसा ओरिजिनल कभी नहीं देखा? ओरिजिनल एक बार रात को 3 बजे देखा था। क्या वो घर जा रही थी अपने? उधर से वो एक बिल्डिंग से नीचे उतर थी, मैं मेरे दोस्त के पास गया। तो तू रुक के आराम से देखा कि चला आया फिर फटाफट? नहीं, मैंने थोड़ा दूर से देखा, मैं इतना पहचान नहीं पाया, देखा तो पूरा कपड़ा पहनने थे इसलिए पहचान नहीं पाया। लेकिन आज खुशबू भरा, एकदम खुशबू भरा माहौल है और ये खुशबू से लाल हो गया है और एमरोन का बर्थडे है। हैप्पी बर्थडे एमरोन, ताली बजाओ भी। हैप्पी बर्थडे टू यू। अब बस भांडे जी, सारी रोटियां बन गई। गाइस मैं आ चुकी हूँ ऑफिस में, बड़ा अच्छा सेट बना दिया है। पल भर में मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी, वो दिखाएंगे तब जब ये शो आने वाला होगा जी, और सब लोग देखेंगे। हाँ हाँ देखेंगे, मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं। आज किस बात की इतनी फुर्तीली छाई हुई है दादा आपको? उर्फी जी आ रहे हैं। अरे उर्फी जी आ रहे हैं, कुल्फी थोड़ी आ रही है। उर्फी जी आ रही है, आप जानते हैं? जी जानता हूँ ना। आजकल काफी फेमस है, बड़े बड़े जो ब्रांड्स है उनके लिए वॉक कर रही है वो। इंस्टाग्राम पे बहुत देखते रहते हैं। बहुत ज्यादा फेमस है उर्फी, हम तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आजो आजो आजो। और सबसे ज्यादा मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। दोस्तों मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आज खुश नसीब बंदा एक है जिसको पूरे शूट पे उर्फी को बहुत करीब से जानने का मौका मिलेगा, वो है मेरा भाई। हेलो KGF। मैंने बोला कि उर्फी जी के कैमरे पे कौन है, तो ये पीछे से बोले मैं। मतलब इतने खुश, इतने खुश, और मुझे इनकी खुशी से लग रहा है कि शायद ही आज का बिल देना। आज हमको पैसे देके जाएंगे। थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। तो दोस्तों हलचल मच चुकी है, उर्फी ऑफिस में आ चुकी है। दादा कहाँ जा रहे हो, गाँव छोड़ के? किधर? ऊपर से देखोगे। ओके सो भैया पसीनो पसीन सब लोग हो चुके हैं। कोस्टन को सिर्फ इसी बात का गम है। अरे दिखी नहीं, अरे दिखी नहीं, इधर आ गई, वो दिखेगी दिखेगी। गोल्डन टोपी भी लेके आ गया मैं तो। मतलब भैया इसको तकदीर की टोपी मिल गई और ये पड़ोसी देश का काम छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं। ये सिर्फ फैन है, फैन उर्फी के। सच में मैं बोलूँ, लोग कुछ भी बोले कि वो कैसे कपड़े पहनती है, ये कैसी लड़की है। हेटर भी होते हैं, लवर्स भी होते हैं, है ना? लेकिन मानना पड़ेगा सच। हाँ क्या मानना पड़ेगा, लड़की ने मतलब आग लगा दी। तेरी मैं बुझाती हूँ घर जाके। दोस्तों सुबह से जो खुशबू वाला माहौल था उर्फी के लिए, जो सब खुश हो गए, ऑफिस में सब 150 कदम ऊपर नाच रहे हैं, ससुर जी लड़ रहे हैं, मुझे नहीं बुलाया शूट पे। वैसे तो ससुर जी कभी कोई शूट पे नहीं आए, आज क्यों? आज मतलब मोस्टली देखा जाए तो सारे लोग घर में फ्री थे, सिर्फ उर्फी के लिए आए हैं। मेरे को पसीने छूट गए क्योंकि मैंने जो देख लिया है ना दोस्तों, वो आपको मैं दिखा नहीं सकती, लेकिन वो जो हम शूट कर रहे हैं उसमें देखना, मैंने जो देख लिया है ना। मैंने क्या देख लिया? लेकिन आप बहुत एक्साइटेड है, आप लग रहा है हर्ष, क्या हुआ हर्ष? हर्ष तो आंखें नहीं उठा पा रहा है। अरे क्या हुआ? मोस्टली कैमरा मैन आज पैसे नहीं ले रहे, कहते मैम आपने उर्फी दिखा दी बस। सो हम चाहते हैं कि उर्फी हमारे इस शो में बीच बीच में कभी भी इधर निकले, हाँ ये कहने आती रहे, ताकि पैसे हमारे बच जाएं। या आज तो काफी लोगों का दिन बन गया, सब खुश है। वैसे तो जब पैकअप होता है कैमरा मैन सब भाग जाते हैं इधर। अभी मेरे को गुस्सा इसी चीज का आता है कि क्यों खड़े हो यहाँ पर, पैकअप जब हो गया है तो। ये दादा जो सिर्फ कार लेता है ये भी यहाँ पर है, और ये किधर गए? ये दादा जो सुरंग में से निकल रहे हो, कहाँ गए थे? माइक लाने? अपना माइक तो पूछा ही नहीं कि दे दो मैडम,
उनका ही उतार के आ गए। अब बता देती हूँ कि हमारे साथ तो उर्फी शूट कर रही थी, लेकिन आज उसके कपड़े कैसे थे मैं व्लॉग में नहीं दिखाऊंगी, आपको हमारा शो दिखना पड़ेगा जिसमें उर्फी दिखाऊं। आप मान नहीं सकते, आपको लगेगा मेरी दूर से मेरी चाची की बहन की छोटी बहू आई है, ई है हमार उर्फी। थोड़ी वो बोली आवाज नहीं ये दीवानापन तुमने कहीं देखा है भैया? ये दो बच्चों का बाप, तीन और ये पांच। सो उर्फी ने बहुत ही प्यारा गोले के लिए गिफ्ट दिया है, बहुत प्यारा गिफ्ट दिया है, उससे खेलूंगा मैं, लेकिन नहीं वो गोले को दिया ना बेटा, हाँ गोले को दिया गिफ्ट, वो गोले को दिया उर्फी ने, और कितनी प्यारी है उसको पता है गोले गोला है, और हर्ष बहुत खुश हो रहा है। सब जानते हैं गोले को, उसको पता है कौन तुमसे तो गोले को जानते हैं। गोला 13 किलो का है और ये 11.5 किलो का। वो उर्फी के साथ शूट हो चुका है क्या? हंस रहा है, मैंने सिर्फ इतना ही बोला कि उर्फी के साथ शूट हो चुका है। यार उर्फी तुम्हारा जादू है भैया है। पांडे जी मिले थे उर्फी से? हाँ मिले थे, चाचा जी की बेटी है ना, मिलके ही गई पगली। कभी कभी ऐसा लगता है कि किसी के कपड़ों से किसी को जज नहीं करना चाहिए, खुद मुझे ऐसा लगता है कभी कभी, हमने ही सोचा था यार क्या उसकी लाइफ है यार, जो मर्जी करे। सच में मुझे लगता है कि जो मर्जी करे, सबकी लाइफ अपनी अपनी है, हम बोलने वाले कौन होते हैं, क्यों दादा है ना, मुस्कुराई जा रहे हो बार बार। शो आज हम उर्फी के साथ शूट करके आए, गुल्ले गुल्ला भी खुश हो रहा है। सो आज बहुत मजा है, गुल्ला भी खुश है आज, गुल्ले खुश हो आप? हर हर शंभू। मैंने ना कपड़े चेंज किए हैं और बाल बाल ठीक किए, मेकअप नहीं उतारा मैंने, क्योंकि ये कल भी लेट आया था, मैंने ब्लॉग बंद कर दिया, मैंने नेल पेंट वगैरह कराया था, मैं तो साफ कर दिया यार, मैं ना नेल पेंट लगा के ऐसे करती रहती हूँ, फिर मैंने आज उतार दिया, शूट भी था ना तो ऐसे ऐसे करना होता है। देखती हूँ हर्ष आता है, कितने बजे भी आता ना मेकअप करके ही रखूंगी, देखती हूँ नोट करता है कि नहीं, क्या नोटिस करता है, ये क्या हुआ तू मेकअप किया हुआ है, मेकअप उतारा नहीं अभी तक, अगर ऐसा कुछ नहीं बोला और रेंडमली चुप रहा ना तो फिर देखना, फिर तभी देखना मैं इसके साथ क्या करती हूँ। सो कल मिला ही नहीं हर्ष आप लोगों से, व्लॉग मैंने एंड कर लिया था, हर्ष आ गया है और भारती भी पूरा मेकअप करके रेडी है, पता नहीं क्यों और किस लिए मेकअप क्यों रेडी हो, क्या हो गया, क्या हो गया, ऐसा कुछ मेरे लिए कोई तैयारी तो नहीं है यार? ये कितना अच्छा, कितना प्यारा है यार, क्यों क्यों यार, हो स्वीट, ओ गॉड हर्ष तू बड़ा प्यारा है यार, मुझे माफ कर दे अगर मैंने तेरे को कभी तेरी गैर हाजिरी में बुरा कर कहा। मेरी गैर हाजिरी में तुम सिर्फ बुरा बोलती हो, क्योंकि तुम एक बुरा बोलने वाली लड़की हो, देखा सारा मूड मैंने एक सेकंड में किल कर दिया ना, यही है यूट्यूब का मजा, एक सेकंड में ऊपर एक सेकंड में डाउन, क्या हो गया? प्याज खाए तो खाए, नहीं खाए ओ जो इसका जो टूथ पेस्ट है वो 99 कीटाणु जो मर जाते हो, एक कीटाणु है ना वही इसके मुंह के अंदर जो बहुत गंदा है, हर्ष प्लीज यार। सो गाइस मैं इसको बहुत अच्छा, अरे ठीक है ठीक है ठीक है, ओके बेबी ओके ओके ठीक है। और पति पत्नी में तो भारती ये कोई बातें बोलने वाली नहीं होती। अच्छा मेरी बात तो सुन, हाँ। यार ये बहुत अच्छा लड़का है, सॉरी मैं तेरी बुराई कर रही थी इनके सामने, पहले वाले वीडियो में मैं कह रही थी कि मैं कल थ्रेडिंग करवाई थी, हर्ष नेल पेंट लगाया था, तू लेट आया और मैंने गुस्से से सुबह काट काट के उतार दिया, और मैंने बिंदी भी लगाई थी, अब मैंने उतार दिया, लेकिन अभी मैं आई और मैंने बोला मैं शूटिंग से आई हूँ, हर्ष भी शूट पे, मैं मेकअप करके रखूंगी, लेंस वेंस लगा के रखूंगी, देखती हूँ ये आकर ये नोटिस करता है कि नहीं कि इसने मेकअप किया, और इसने आते ही बोल दिया यार तू तो अच्छा निकला यार। थैंक यू, लेकिन अब मैं जाना चाहूंगा गाइस, क्योंकि मुझे पॉटी आ रही है। सॉरी ये सच है, और व्लॉग्स में बात ही सब सच बोलना होता है। बाय गाइस, जिसने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, बाय बाय। ये होता है हमारे घर में, ये मूड खराब होता है, बीवी मेकअप करके इंतजार कर रही है, हाय मुझे पॉटी आ रही है, आ वे लो देख लो देख लो देख लो, ओ